अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अरबिक शावरमा। तो ये मैंने चिकन लिया है, तो ये मैंने पतला पतला काटा है। मैं इसको मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं सिरका डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 1 टेबल स्पून डालूँगी तकरीबन, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है। लाल मिर्च जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, और इसमें काली मिर्चें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून जाएंगी, और लहसुन अदरक जाएगा इसमें। और कुछ भी नहीं, बस यही चीज़ें जाएंगी। और इसको मैं तकरीबन, आप लोग पूरी रात के लिए अगर मैरिनेट करें तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं भी इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट करूँगी। पहले मिक्स करूँगी तो फिर दिखाती हूँ। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको फुल नाइट के लिए मैरिनेट करूँगी। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर भी 3-4 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करें, क्योंकि फिर गोश्त में मसाले की बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आती है। तो चले हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं इसका। चिकन मैंने तकरीबन 5 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, तो अब इसको ग्रिल फैन पे डालते हैं और दिखाते हैं आपको। इसको हम पकाएंगे। पहले मैंने इसका चूल्हा कम किया है, बहुत तेज़ नहीं किया है, और तब तक मैं आपको इसका एक सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत मज़े का सॉस बनता है, रेड सॉस। तो चले मैं वो आपको दिखाती हूँ जब तक ये बनता है। अब ये मैंने लाहौरी मिर्चे लिए हैं, और 5-6 दाने मैंने लहसुन लिया है, और इसमें हम टमाटर डालेंगे 2 दाने, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे तो आके इसमें हम इसको पका लें। अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ, फिर इसमें और चीज़ें डालेंगे। इसको मैंने चूल्हे पे रख लिया है। अब जब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमारा ये टमाटर और ये लहसुन अच्छे से पक जाए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसकी साइड मैंने चेंज कर लिया। अब उस साइड से भी अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और फिर हम निकालते हैं। ये हमारा ठीक है। अगर इसको आप ज़्यादा देर तक मैरिनेट करो फिर ये बहुत मज़े का और जूसी बनता है। ये हमारा तकरीबन हो गया है। इसको मैं निकालती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाते हैं। ये हमारे अच्छे से तकरीबन 6 मिनट हो चुके, इसमें अच्छे से उबाला आ गया। अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने मैदा लिया है, ये हम सिंपल रोटी बनाएंगे, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। इसमें मैंने नमक डाला है मैदे में, और इसको मैं गूंथती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया है मैदा। अब इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ, जब तक आपको दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको ब्लेंड किया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून में इसमें सोया सॉस डालूँगी 1 टीस्पून तकरीबन, चिली सॉस और सिरका डालूँगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी फिर दिखाती हूँ। मैदे की मैंने इस तरह की सादी रोटियाँ बना लिए हैं, और आइसबर्ग भी काट लिए हैं, एक प्याज काट लिए, और चिकन को मैंने इस तरह काट लिए।
ये सॉस उठा लिए। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे पहले हमने जो ये रेड सॉस बनाया है ये लगाएंगे, इससे ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें साथ हम चिकन डालेंगे। फ्राइज डालेंगे, फ्राइज भी आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। आइसबर्ग डाल दिए हैं और थोड़ा सा प्याज मैंने डाल दिए हैं। और इसमें मैं थोड़े से मायोनीज डाल दूँगी। इसको हम अभी फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसी तरह हम लोग रखेंगे रैपिंग पेपर पे या वैसे। तो इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी और आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारी अरबी शावरमे में बिल्कुल रेडी हो गए। ये बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनते हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।